रूस और यूक्रेन में जंग के बीच रूसी मिसाइलें नाटो देश पोलैंड में गिर गई हैं। पोलैंड ने दावा किया है कि उसके क्षेत्र में एक रूसी मिसाइल गिरने से दो नागरिकों की मौत हो गई है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस की उम्मीदवारी के लिए दस्तावेज दाखिल कर दिए हैं। ट्रंप के इस फैसले के बाद साफ हो गया है कि वह 2024 में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अवैध खनन मामले में 17 नवंबर को झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के ईडी की जांच में शामिल होने से पहले आज यूपीए विधायकों की बैठक होगी। महाराष्ट्र में कांग्रेसी सांसद राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ आज वाशिम जिले से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने टिकट के बदले पैसे के मामले में आप विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी के साले समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। मशहूर गायक नक्षत्र गिल को गहरा सदमा लगा है। उनकी धर्मपत्नी दलविंदर कौर का आज निधन हो गया है। उनका अंतिम संस्कार आज दोपहर बाद 1 बजे बंगा रोड शमशान घाट फगवाड़ा में किया जाएगा। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 501 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या 7918 से घटकर 7561 हो गई है। पीएम मोदी ने मिजोरम में पत्थर खदान गिरने से हुई मौतों पर दुख व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों को पीएमएनआरएफ से 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की मुआवजा राशि देने की घोषणा की है। शिवसेना नेता संजय राउत ने श्रद्धा मर्डर केस पर कहा है कि श्रद्धा की जिस तरह से हत्या हुई है और जो हमें सबूत दिख रहे हैं, उस आधार पर ऐसे लोगों को खुले बाजार में फांसी पर लटकाना चाहिए। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो ने आज सुबह एक बड़ी कार्यवाही करते हुए लुधियाना के डुगरी इलाके से 20 किलो हेरोइन बरामद की है। जिले का कोई भी अधिकारी इस संबंध में जानकारी देने से इनकार कर रहा था। फिलहाल इस मामले में कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है।